बैक टू माई चैनल उम्मीद के खिलाफ सब लोग खेल से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सो so, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग एक न्यू जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं एक नए जगह पे गए रेस्टोरेंट में तो so, मैंने सोचा कि इट वॉज़ गोइट फार अवे मतलब वहाँ पे कोई ऐसी और पाकिस्तानी इंडियन को ऐसे चीज़ें नहीं थी सो बहुत दूर एरिया था तो मैंने सोचा कि इसको भी ना रिकॉर्ड करना चाहिए कि ये भी जो है मेरे चैनल में मेरे व्लॉग में होना चाहिए सोडाट ज़्यादा लोगों को पता चल सके क्योंकि हम लोग इस एरिया के आस पास से गुजरते हैं लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है सो येस आप लोगों के लिए आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए सो इस रेस्टोरेंट का भी जो है Uh, मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाती हूँ तो हम लोग आए हैं इंडियन हॉट पॉट करी रेस्टोरेंट विद फैमिली मेरी सास सभी आई हैं तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो है ना जितना ज़्यादा हो सके जहाँ जहाँ हो सके हम उनके साथ फैमिली सारी जाए टाइम स्पेंड करें और उनको विज़िट करवाएं सो so, यहाँ पे हमने आ, आते से तो आपको पता है मेन्यू पे कोई आधा घंटा लग जाता है डिसाइड करते है। स्पेशली जब आप नई जगह पर जाते हैं अदरवाइज तो जब आप उस जगह पर काफ़ी टाइम जा चुके होते हैं ना तो आपको पता होता है कि भाई यहाँ की ये चीज़ मज़े की और मैं तो भाई यही मंगवानी है तो हर हम लोग हमारा पक्का फिक्स एक है ऐसी चीज रेसिपी या ऐसे एक डिश जो हम लोग हमेशा मंगवाते हैं नान तो है वो तो आपको पता ही है कि रेस्टोरेंट पर जाके रोटी तो घर पर ही खाते हैं नान वगैरह ही चलते हैं लेकिन उसके साथ साथ बटर चिकन है ऐसी डिश जो कि मेरी फैमिली और हमें बहुत पसंद है इज़ लाइक ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट तो हम लोग कहीं भी जाए ना तो वो तो मस्ट होता है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं चलो उसे बहाने जो वो खाना थोड़ा सा खा लेते हैं ना रज पज के तो इसलिए फिर मैं वो लाजमी मंगवाती हूँ अच्छा ये था ये स्टार्टर देते हैं आपका वेलकम करते हैं तो यस ये था स्टार्टर आई थिंक कि भाई जब तक खाना आता ना तो आराम आराम से कुछ ना कुछ आप लोग यू नो मन चौन करें तो है उसके साथ हमने मंगवाए थे स्प्रिंग रोल्स जो कि लाइट थे मतलब बच्चों के हिसाब से ठीक थे अगर बच्चे साथ आते हैं तो ये मतलब काफ़ी लाइट थे चाइनीज़ फ्लेवर आता आपको और चिकन टिक्का था जो नॉर्मली हांगकॉन्ग में जैसा फ़्लेवर है ना चिकन टिक्के का मतलब अच्छा है इससे ज़्यादा ना ऊपर है ना आगे पीछे सो so, वो था ये पानी पूरी थी और पिक्चर्स तो आपको पता ही हमने मास् लेनी होती है ना <laughs> खाने से पहले पानी पूरी बहुत टेस्टी थी ये थी मेरी बेटी छोटी बेटी की फरमाइश पे और बड़ी बेटी की फरमाइश पे था बटर चिकन है नान मामा हमने ये खाना है ये थी बीफ हांडी बीफ हांडी भी मज़े की थी इट वाज़ ओके लेकिन बटर चिकन हमें ज़्यादा पसंद आता है और इसी के साथ नान बहुत मज़े के थे नान बहुत फ्रेश थे हम लोगों ने तो टेक अवे भी किए घर पे जाके भी इवन सेकेंड डे इट इज़ लाइक कि अभी अभी बन के आए दोबारा जब गर्म करें हर ताज़ी चीज़ तो ताज़ी होती है लेकिन नान वैसे बहुत मज़े के थे तो हमने टेक अवे भी किए थे एंड ये थी भाई पानीपुरी लवर और इसको बहुत मज़ा आता है पर खाने बिचार खाने का पता नहीं है सही तरह से ओबियसली छोटी है तो वो एकदम से आपको पता है जैसे पानी पूरी पूरा खानी पड़ती है तो ये बेचारी तोड़ तोड़ के खाती है तो हर वो टेस्ट तो नहीं आता लेकिन फिर भी इसको Uh, मज़ा आता है अच्छी लगती है लेकिन आई थिंक जो मसाला था ना इसके अंदर वो थोड़ा सा इसके हिसाब से कह रही थी मामा इट्स लाइक स्पाइसी तो उस बेचारी ने इसके बाद खाई नहीं बिल्कुल दोनों ने सिर्फ एक एक ट्राई की और बाकी जो है फिर हम ही नहीं एक, एक दो दो करके खाई हैं आठ पीसीस होते हैं एंड इट वॉज गुड अच्छी थी तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और सा में भी खुश होगी हमने भी अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ तो काफ़ी मज़ा आया बंदा ना थोड़ा सा फ्रेशअप हो जाता है और सांस कर मैं खुश होगी क्योंकि घर पे रह रह के और हांडी किचन चूल्हा जान छोड़ते ही नहीं आपको पता ही है तो फिर स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है ना जब ऐसा कोई टाइम हस्बैंड निकालते हैं ना कि भाई चलो आपको बाहर खाना खिलाएंगे तो बंदा शुक्र करता है शुक्र की सांस लेता है तो वैसे घर के खाने की ऐसी कोई बात नहीं है साफ सुथरा मज़े का घर का बना हुआ लेकिन चलो सम टाइम जो है वो होता है कि भाई बाहर जाके भी थोड़ा सा एक यू नो माहौल चेंज हो जाए और क्या सो so, सोर um, उसके बाद हम लोग यहाँ से जब निकल रहे थे इतना प्यारा व्यू था तो वी हैड टू स्टॉप बाय और हमने यहाँ पर खूब सारे पिक्चर्स लिए क्योंकि व्यू इतना प्यारा आ रहा था ना अगर ना तो आपके पास प्रोफेशनल कैमरा अगर यहाँ पर होता ना तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे थे ये कैमरा शायद इतना जस्टिस नहीं कर रहा लेकिन रियल में बहुत बहुत प्यारा व्यू था और अगर तो कपल है ना तो वो तो जब यहाँ पर आके मैं तो कहती हूँ वॉक करें टाइम स्पेंड स्पेंड करे थे वो सो पीसफुल माशाल्लाह माशाल्लाह हांगकांग इज़ वेरी पीसफुल अल्लाह पाक ऐसे ही रखे नजरबद से बचाए इट्स वेरी पीसफुल एंड सेफ हेयर तो हमने थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पे रोकी क्योंकि रोक सकते थे कि और भी गाड़ियाँ खड़ी थी इतना है रिशू नहीं होता तो नीचे बीच था वहाँ पे जाए टाइम स्पेंड करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दुआ में याद सी यू नेक्स्ट टाइम इनशाला हाफिज